जिस वीडियो में बताने वाला है वैसे छात्र एवं छात्रा जो मैट्रिक में पास किए हुए हैं उनके लिए स्कॉलरशिप भरने के लिए 10,000 रुपया ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया। लड़की होगी तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान की तरफ से दिया जाता है और लड़का होगा तो आपको मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि विद्यार्थी योजना सब कुछ आपको इसकी एक ही का जो कि नाम आपको उसमें दिया जाता है। इसमें आपको 10,000 रुपया दिया जाता है तो ऑनलाइन आपको कैसे करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है कि बहुत सारा जो आपको एरर आ रहा था रोल नंबर का सर्वर का वो सब कुछ एरर आपको हट गया है तो कैसे आपको फिलअप करना है। साथ ही साथ बताएंगे जिसका मार्कशीट नहीं मिला हुआ है तो वहां पे आपको क्या अपलोड करना है कैसे आपको रजिस्टर करना है सब कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल में आना है, आपको टाइप करना है sarkaridoor.com, ऊपर वाला सेक्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देखिए आपको सर्च बटन है इस पर क्लिक करके आपको जो कि BSAB 10th फर्स्ट डिवीजन स्कॉलरशिप ऑनलाइन क्लिक करिएगा, यहाँ पे सर्च करके आ जाएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सब कुछ आपको बताया गया है कि कैसे कैसे जो कि अप्लाई होता है और किस जो कंडीशन में आपका जो कि 25,000 रुपया तक मैट्रिक वाले छात्र को दिया जाता है। आपको दो प्रकार का जो छात्रवृत्ति होता है उसको भी दिया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है उसको भी यहाँ पे बताया गया है और सबसे नीचे में आइएगा लिखा गया है डायरेक्ट लिंक ऑनलाइन अप्लाई क्लिक हियर, जो फर्स्ट वाला लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक दिया गया है, अगर क्लिक हियर पर करते हैं तो ये वाला जो कि पेज आपको डायरेक्ट खुल जाएगा। अगर आप ऑफिशियल साइट पर आना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हियर लिखा गया इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई ऑनलाइन 2024 लिखा गया है, आपका डेट तारीख बताया गया है कि 15 अप्रैल 2024 से लेकर 15 मई 2024 तक ही आपको अप्लाई किया जाएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। एक महीना का आपको समय दिया गया, इंटर का भी शुरू हो गया है तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इंटर का रहेगा लेकिन यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रक्शन में आपको दे दिया गया इंपोर्टेंट नोटिस में कि एक महीना का आपको समय दिया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अप्लाई लिखा गया ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे तीनों जो बक्सा दिया गया है तीनों में जो कि आपको टिक कर लेना है, इंस्ट्रक्शन है आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू बटन में इस पर आपको क्लिक कर लेना है और फर्स्ट ऑफ ऑल जिस जो कि ये जिला के कॉलेज से आप पढ़ाई किए होंगे उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जिस प्रकार से जो आपका कॉलेज का जिला होगा उस जिला को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद सेशन नंबर आपको लिख लेना है, आपको एडमिट कार्ड पर लिखा होता है, स्टूडेंट का नाम आपको एडमिट कार्ड पर लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ जो होगा आपको एडमिट कार्ड पर उसको यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे पहले ईयर पर क्लिक करके यहाँ पे भी ईयर पर क्लिक करके अपना जो कि पहले डेट ऑफ बर्थ के तौर पर ईयर आपको इसमें सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको जो मंथ होगा मंथ आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपका डे होगा डे आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपका फादर्स का जो नाम होगा फादर्स का नाम लिखेगा आपको एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, मदर्स का भी नाम आपको एडमिट कार्ड पर लिखा होगा और यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स होगा आपको जितना आपको आया होगा 500 में उसको यहाँ पे लिख देना है। भाई यहाँ पे जितना इनको नंबर आए हुए हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे अपनी फर्स्ट डिवीजन है और आपको सेकेंड डिवीजन को भी पैसा दिया जाता है जो कोई SC ST से आता है जो केवल लड़की लोग का, ठीक ना। उसके बाद कैटेगरी वाइज जो आपका कैटेगरी होगा कैटेगरी अपना सिलेक्ट करिएगा, रोल नंबर जो होगा रोल नंबर अपना डाल लीजिएगा, मेरिट का जगह पर आपको इसमें नो ही रहने दीजिएगा। अब आपको आधार कार्ड का जो डिटेल्स है उसको देना है, यहाँ पे ध्यान रहे कि आधार कार्ड का जो डिटेल्स होगा वही डिटेल्स आपको सेम टू सेम आपको मार्कशीट पर होना चाहिए, जैसे आपका नाम सेम होना चाहिए आधार कार्ड पर और आपको एडमिट कार्ड पर, डेट ऑफ बर्थ भी आपका सेम होना चाहिए जैसे आपके एडमिट कार्ड पर और आपको जिस प्रकार से होगा जैसे मार्कशीट आपको आता है तो एडमिट कार्ड आपको मार्कशीट सेम टू सेम डाटा आएगा और आपको आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम होना चाहिए, अलग होगा तो भैया आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं होगा आपको अटक जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर आप सुधार कराना चाहते हैं तो हो सकता है तो जल्दी सुधार कराकर आप आवेदन कर दीजिएगा और आपसे नहीं सुधरता है तो उसका मैं यही बताऊंगा कि भाई अपना आवेदन कर लीजिएगा, उसका मिसमैच डाटा में कुछ ब कुछ अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाइएगा, जैसे भी होगा बात करिएगा, अगर नहीं होता है तो पैसे के दम पर हमसे मेल पर बात करिएगा, हम जो कि आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे वेरीफाई करा देंगे, अगर आपको अलग भी होगा तो नाम का भी प्रॉब्लम होगा सब कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आधार कार्ड डिटेल्स है मैं भर देता हूँ, जेंडर जो होगा जेंडर यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जो आधार कार्ड का नंबर है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड पर जैसे इस आदमी का अलग अलग है, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ हमको पता है आधार कार्ड पर जन्म तिथि अलग है और यहाँ पे मार्कशीट पर अलग है तो दोनों में अलग अलग है भैया, दोनों में हम अलग अलग डालेंगे, ठीक ना। अगर आप आधार कार्ड का बिना सुधार कराए हुए आप डालेंगे तो भैया लेगा ही नहीं, तो जो आधार कार्ड का डिटेल्स होगा वही आपको इसमें देना होगा और उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर लिखा गया इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एक डालिएगा, उस पर जो कि OTP जाएगा OTP डाल के इसको वेरीफाई कर लीजिएगा और इसी जो कि मोबाइल पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका मोबाइल चालू
चालू होना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको फॉरगेट पासवर्ड भी करना होगा। अल्टरनेट एक मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद यहाँ वेरीफाई विथ ओटीपी पर क्लिक करिएगा। ओटीपी सेंड रजिस्टर मोबाइल पर कर दिया गया, अब आपको ओके करना है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल लेना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद मोबाइल ओटीपी वेरीफाई लिखा गया, इस पर आपको क्लिक करना है और आपका मोबाइल ओटीपी जो होगा वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल लेना है, उसको भी वेरीफाई करना होगा। उसको लॉगिन कर लीजिएगा, अगर मोबाइल में भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम ईमेल आईडी लिख चुके हैं, उसके बाद वेरीफाई विथ लिखा गया ओटीपी, हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपको ओके बटन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके मोबाइल जो आपका ईमेल दिए हैं उस पर एक ओटीपी चला गया, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालिएगा और ईमेल ओटीपी वेरीफाई पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा को यहाँ पे लिख कर प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल्स आपको दिया गया है अब की बार का ही है, यानी 2024 में अपनी पास किया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी देख सकते हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, काहे कि बहुत लोग वीडियो बनाकर बता दे रहा है और पूरा ब्लर कर दे रहा है, जो कि पिछले साल का वो वीडियो है, उनका डाटा प्रूफ के तौर पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इनका डाटा आया। पूरा नाम वगैरह वगैरह जितना कुछ होगा सब कुछ आपका आ जाएगा। और नीचे में देखिए, यही एक बात है जो सोचने वाली है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है अपलोड मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग का ये प्रॉब्लम है भैया अभी तक स्कूल में जो कि हमारे मार्कशीट तो आए ही नहीं है, हम डालेंगे कौन। तो बहुत लोग हमको कमेंट कर रहा है कि हम जो कि भैया वेब कॉपी डाल दिए हैं, हम वेब कॉपी डाल दें जो रिजल्ट चेक किए थे उसका मार्कशीट। देखिए भैया, हम आपको डायरेक्ट नहीं कहेंगे, काहे कि एक 10,000 रुपये का ये मामला है, आपका जो कि भरोसा है। तो यहाँ पे अपलोड जिस प्रकार से पीडीएफ करना है तो हमारे हिसाब से ओरिजिनल ही अपलोड करिए, बाकी आपके मर्जी का निर्भर करता है। आप जो कि वेब कॉपी लगाइए आप समझिएगा, ठीक है। तो इसमें अपलोड करने के लिए देखिए वेरिफिकेशन के तौर पर पूरे ही ऊपर में ही डाटा आपको तो आ ही गया है, लेकिन एक मन में कन्फ्यूजन एनी टाइम रह जाएगा कि हमने वेब कॉपी डाल दिया है, हमारा वेरीफाई होगा कि नहीं, मेरा पैसा आएगा कि नहीं, सब कुछ आपको प्रॉब्लम मन में झेलना पड़ेगा। तो हम कहेंगे थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपको 2-3 दिन के बाद आपके स्कूल में जो होगा मार्कशीट मिलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो कि आप अपलोड करिएगा। यहाँ पे सबसे जरूरी बात यही है, जब आपको मार्कशीट का तो आपके पास पीडीएफ ओरिजिनल आ जाए तभी अपलोड करिए, और आपके पास ओरिजिनल नहीं आता है तो अपने मन के मुताबिक आप चाहें तो ये कॉपी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस के अनुसार अगर नहीं लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आप एक महीने का समय दिया गया है, जो आपको कल से ही पूर्ण रूप अच्छे तरीका से आपका जो कि है वेबसाइट चल रहा है। समझ लीजिए अभी तक आपके पास 25 दिन का समय है, तो 2-4 दिन के बाद आपका मार्कशीट मिलना शुरू हो जाएगा। तो मार्कशीट ही अपलोड करिए, अगर आप वेब कॉपी अपलोड करते हैं तो उसके जिम्मेवारी आपको खुद ब खुद लेना होगा। जैसे मेरे साइबर कैफे पर बहुत लोग आ रहा है, बोला हमको वेब कॉपी ही डाल दीजिए, हमको नहीं रहना है, हमको इधर करना है, भैया उसके हिसाब से हम डाल दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि भैया आपको ओरिजिनल ही मार्कशीट अपलोड करिए। तो इस प्रकार से फाइनल सबमिट आप कर दीजिएगा, रजिस्टर जब आपका हो जाएगा तो उस कागजात को कहीं ले जाकर जमा करने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से आप चाहें तो अपना मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास किए हुए सेकंड डिवीजन से आप 10,000 रुपये के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिल्म उतरने के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।